हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। दोस्तों, दिवाली के ओकेशन पर मैंने केक का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर पूरा किया। मैंने करीबन 30 से 40 टूटी फ्रूटी केक्स, प्लम केक्स और करीबन 100 कप केक्स बनाए और आज उन्हीं को बनाने का मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, समय कम था और काम ज़्यादा, पर मैंने पूरी कोशिश करके इस ऑर्डर को टाइमली कम्प्लीट किया। तो चलिए देखते हैं इन केक्स को मैंने कैसे बनाया। तो बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए, यूजफुल लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं हमारे टूटी फ्रूटी केक को। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके अंदर मैं 4 कप बेसिक प्रीमिक्स ऐड कर रही हूँ। ये घर का बना हुआ बेसिक प्रीमिक्स है और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं आपको 3 केक को बनाना यहाँ बता रही हूँ। इसी मेथड से मैंने बाकी के केक्स भी बनाए। और अब हम इसके अंदर लगभग 7 टेबलस्पून यानी कि 7 बड़े चम्मच मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ इसके अंदर मैं 1 कप यानी कि 250 ml पानी ऐड करूँगी और इसे अब हम एक विस्कर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जरूरत के हिसाब से हम इसमें और पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। अब इसके अंदर मैं 2 से 3 ड्रॉप येलो जेल कलर की ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर ऐड किया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा देखिए बैटर रेडी है। पर आज हम टूटी फ्रूटी केक बना रहे हैं तो यहाँ पर 1 से 2 बड़े चम्मच हम कलरफुल टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारे टूटी फ्रूटी केक का बैटर एकदम बनकर के तैयार है। अब इसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर के ही ये रेक्टेंगल शेप के मोल्ड लिए हैं। इनमें आसानी से आप केक बना भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये आपको आराम से मार्केट में जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ 20 से 25 रुपये का पर पीस मिल जाएगा। आपको इसे ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पेपर लगाने की ज़रूरत है। अब हम बनाए हुए बैटर को तीनों में इक्वली डिवाइड कर देंगे और अच्छे से टैप कर देंगे। ऊपर से भी हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और आप चाहें तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू या बादाम, किशमिश भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है। और अब मैं इसे अपने नए बजाज के 50 लीटर ओवन जिसे मैंने अभी अभी परचेज किया है उसी के अंदर बेक कर रही हूँ। इसका रिव्यू मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लाने वाली हूँ। तो 180 डिग्री पर मैंने इसे प्रीहीट करके पहले ही रखा हुआ था। अब इसे 20 मिनट के लिए हम 180 डिग्री पर ही बेक करेंगे। तो ये आराम से देखिए बिल्कुल 20 मिनट के अंदर बेक हो गए हैं। बहुत ही अच्छा सा कलर आया है, मैं आपको बाहर निकाल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से जैसे मैंने ये 3 केक्स बनाए, ये लगभग 380 ग्राम्स का पर केक था। मैंने 20 केक्स यही फ्लेवर वाले टूटी फ्रूटी के रेडी किए, ये देखिए। और रेडी करने के बाद जब ये अच्छे से ठंडे हो गए तब मैंने सेलोफिन शीट लगा करके इन्हें अच्छे से रैप किया। तो बराबर का मैंने इस तरीके से पीस काटा और इस तरीके से मैंने उसे पैक कर दिया जिससे ये अच्छे से सेफली पैक हो गए, ये देखिए। और ऐसे ही मैंने बाकी के केक्स भी पैक कर लिए। और जैसे ही मेरे टूटी फ्रूटी के केक्स बन करके रेडी होके पैक हो गए, मैंने प्लम केक की तैयारी तुरंत शुरू कर दी। प्लम केक बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में 200 ग्राम चीनी को अच्छे से पिघला करके कैरमलाइज किया। फिर उसके अंदर मैंने लगभग 500 ml पानी डाला और इस तरीके का एक कैरमल वाटर रेडी कर लिया। इसकी डिटेल रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब हम इस कैरमल वाटर को एक साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसके अंदर हम 500 ml यानी कि 1/2 लीटर ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। आपके पास अगर फ्रेश ऑरेंजेस का जूस है तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास उस समय नहीं था तो मैंने ये रियल वाला ही जूस यूज़ किया है। अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जैसे कि 1/2 कप मैंने यहाँ काजू को 2 पीस में कट करके ऐड किया है। इसी के साथ 1/2 कप मैंने बादाम को भी 2 पीसेस में कट करके ऐड किया है। 1/4 कप मैंने यहाँ किशमिश ऐड करी, 1/4 कप मुनक्के, ऐसे ही 1/2 कप मैंने खुबानी जिसे फिग कहा जाता है उसको ऐड किया छोटे छोटे पीसेस में कट करके। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ क्रैनबेरी ऐड करी, 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ब्लूबेरी यानी कि काली किशमिश ऐड करी और लगभग 1 बड़ा कप मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। मेरे पास रेड कलर की ही टूटी फ्रूटी अवेलेबल थी, आप चाहें तो मिक्स कलर वाली टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे।
लगभग एक घंटे के लिए हमें इन ड्राई फ्रूट्स को सोक करने के लिए छोड़ना होगा। तो मिक्स करने के बाद एक ढक्कन लगा करके मैं इसे एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तब तक हम पाके की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और फिर से मैं यहाँ पर चार बड़े कप यानी कि 250 ml वाला कप मैं यहाँ बेसिक प्रीमिक्स ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ इसके अंदर हम दो बड़े चम्मच यानी कि 2 tablespoons डालेंगे अनस्वीटेंड कोको पाउडर। और अब हम इसके अंदर हाफ कप अपना कैरमल वाटर ऐड करेंगे जिसे हमने अभी बना करके ठंडा होने के लिए रखा था। और अब हम इसके अंदर 7 tablespoons डालेंगे मेल्टेड बटर। आप चाहें तो कोई नॉन फ्रेग्रेंस वाला ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 teaspoon डालेंगे वनीला फ्लेवर और साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं लिक्विड कंटेंट अभी इसके अंदर कम है, तो पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके ही पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक साथ पानी इसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइएगा और इसे मिक्स करते जाइएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप टूटी फ्रूटी केक बनाने में तो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लम केक को बनाने के लिए आप दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऑरेंज के जूस के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके देखिए पानी डाला है, अच्छा सा बैटर बन करके रेडी है। अब इसके अंदर हम अपने सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मेरे बनाए हुए मेजरमेंट के बैटर में आपको लगभग 6 tablespoons ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करने होंगे। मेरा जो ये चमचा है वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं यहाँ पर 3 ये बड़े चमचे ऐड कर रही हूँ। साथ में हम 2 बड़े चम्मच जूस भी ऐड कर देंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसे मिक्स करके इसका फिर से एक बैटर बना लेंगे। मैंने तो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा ऑर्डर लिया था, तो मैंने इसीलिए ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा बनाए, कैरमल पानी भी ज़्यादा बनाया। तो देखिए हमारा बैटर जो है वो बन करके एकदम रेडी है। अब इसे भी हम उसी तरीके से बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने फिर से वही मोल्ड लिए हैं और इसके अंदर हम अपने बनाए हुए बैटर को इक्वली तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। बैटर डालने के बाद हम इन मोल्ड को अच्छे से टैप कर देंगे ताकि कोई एयर हो तो वो निकल जाए। साथ ही इसे ऊपर से हम ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और कुछ नट्स और चेरी से गार्निश करेंगे। जब ये केक बेक होता है तो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, तो आप अच्छे से ड्राई फ्रूट्स और नट्स से इसकी डेकोरेशन कर दीजिएगा इस तरीके से। प्लम केक के अंदर जितने ये नट्स और ड्राई फ्रूट्स होंगे वो उतना ही टेस्टी लगता है। तो मैंने देखिए सभी पीसेस यहाँ पर छोटे छोटे करके अच्छे से स्प्रिंकल कर दिए हैं। मेरे पास यहाँ पर ड्राई कीवी फ्रूट भी था, तो उसके छोटे छोटे पीसेस भी मैंने इस केक के ऊपर गार्निश कर दिए हैं, जिससे कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है और केक भी टेस्टी लगेगा। तो तीनों केक देखिए बेक होने के लिए रेडी हैं। मैंने फिर से अपने प्रीहीटेड ओवन के अंदर इनको बेकिंग ट्रे में डाल करके 20 मिनट तक बेक किया। टेम्परेचर आपको 180 डिग्री ही रखना है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा आप प्रीहीटेड ओवन में ही अपनी चीज़ को बेक करिएगा। लगभग 20 मिनट के अंदर मेरे ये प्लम केक्स भी बनकर के तैयार हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है। और इस तरीके से मैंने इन केक्स को बना करके एक मार्केट से इस तरीके का बॉक्स लिया, थोड़ा फैंसी सा ये मुझे मिला। और इसके अंदर केक को ठंडा करके मैंने इस तरीके से प्लेस किया और अपनी एक छोटी सी केक की पैकिंग बना करके रेडी कर ली। और ऐसे ही मैंने बाकी के केक्स भी अपने इसी तरीके के बॉक्स में सेट किए। तो लगभग 10 से 11 मैंने इस तरीके से प्लम केक्स बनाए और उनको इसी तरीके से बॉक्सेस में पैक किया। और केक्स बनाने के बाद फ्रेंड्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के इस तरीके के 100 कप केक्स बनाए। ये बटर स्कॉच फ्लेवर वाले केक थे, जिसकी क्रीम में भी मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर डाला था और N1 नोजल लगा करके मैंने सिंपली रोजेट फ्लावर इनके ऊपर बनाए। तो फटाफट से मैं इन कप केक्स को डेकोरेट करने का भी आपको मेथड दिखा देती हूँ।
और ऐसे ही मैंने थोड़े से कपकेक्स चॉकलेट फ्लेवर के भी बनाए और इनको मैंने चॉकलेट क्रीम के साथ डेकोरेट किया इस तरीके से। और फ्रेंड्स, 3 से 4 डिफरेंट फ्लेवर को यूज करके मैंने इस तरीके से करीबन 100 कपकेक्स बना करके रेडी किए। और जब फ्रेंड्स मेरे ये केक्स, प्लम केक, कपकेक्स बनकर के रेडी हो गए, तब मैंने थोड़ी सी मदद लेकर के इनको गिफ्ट हैम्पर्स में पैक कराया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने बड़े से ऑर्डर को कंप्लीट किया। मैंने सोचा आप सभी को भी ये जरूर दिखाऊं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो इसे तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।